Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, जैसे कि आपको पता रहेगा कि जो कि अभी फिलहाल WWE में माहौल चल रहा है, वो बहुत ही गरम गरम चल रहा है, क्योंकि गाइस आपको पता रहेगा कि गाइस WWE में हो गए हैं दो बड़े बड़े मेगा स्टार्स के रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में, जो कि थे द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का। और अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट दी थी कि शायद CM Punk वर्सेस सेथ रॉलिंस नेक्स्ट डायरेक्शन हो सकती है WWE वालों के लिए, तो रैंडी ऑर्टन के लिए क्या डायरेक्शन है। तो गाइस WWE वाले गाइस रॉयल रंबल 2024 के लिए कंसिडर कर रहे हैं रोमन रेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा मैच अगेंस्ट अ बिग अपोनेंट, जो कि होने वाले है द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, रॉयल रंबल 2024 के लिए WWE हेवनली कंसिडर कर रही है रोमन रेंस वर्सेज रैंडी ऑर्टन का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। गाइस जैसे कि आपको पता है गाइस, तभी रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज के लास्ट टाइम WWE थे, यानी उसके पहले तभी रोमन रेंस भी वो वजह थी कि रैंडी ऑर्टन इतने वक्त तक बाहर है, क्योंकि रोमन रेंस ने उनको गंदी वाली पिटाई दी थी। चलते हमको रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज तक WWE में दिखे नहीं, इसलिए हमको रॉयल रंबल में गए दोनों स्टार्स का मैच देख सकते हैं फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और गाइस पॉसिबली हमको रैंडी ऑर्टन गाइस ये मैच में डिट्रोन करते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस को। गाइस आप बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस, रैंडी ऑर्टन के अच्छे खासे चांसेस है कि वे मैच में हमको अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पॉसिबली गाइस एक सीनेरियो बनता है कि गाइस WWE अगर वालों को द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच करना है WrestleMania 40, तो पॉसिबली ये मैच में द रॉक कॉस्ट करा सकते हैं रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप। नहीं तो गाइस पॉसिबली द रॉक और रोमन रेंस एक नॉन रॉयल मैच करने के लिए हमको मैच में रैंडी ऑर्टन के पास आते हुए दिख सकती है अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जिसके वजह से फिर हमको रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का एक नॉन टाइटल मैच होते हुए दिख सकता है। और गाइज अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।